दोस्तों अभी के टाइम पे काफी चर्चे में रहने वाला मनीष्का लिमिटेड शेयर के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये शेयर जो है एक अकेला शेयर नहीं है, इनके नाम पर चार शेयर है जो कि आगे के वीडियो में फुल डिटेल्स में एनालिसिस करके आप लोगों को बताएंगे, जो कि दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज ना रहिएगा। आज की वीडियो में पेनी स्टॉक के बारे में फुल डिटेल्स में फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे और इनके टोटल चार शेयर के नाम भी बताएंगे और ये पेनी स्टॉक की आगे आने वाले दिनों में क्या मल्टीबैगर बनेगा या फिर और इनका बिजनेस कैसा है और इनका प्रोडक्टिविटी कैसा है। दोस्तों सारे कुछ टॉपिक को आज के वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा, अगर इस चैनल पे नए हो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप लोगों को रेगुलर बेसिस हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों और एक बात, ये वीडियो को भी एक लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कंपनी के अबाउट की बात करें, यहाँ पर दोस्तों इनके वेबसाइट पर चले। ये कंपनी जो है बसंत कुमार अग्रवाल एंड सुरेश कुमार अग्रवाल इनके द्वारा प्रमोटेड है और ये कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में एस्टेब्लिश है और ये शेयर NSE और BSE पर लिस्टेड है। और दोस्तों यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, अंडर ए स्कीम ऑफ डीमर्जर फॉर डिविजन ऑफ मनीष्का, ये कंपनी का एक स्कीम के चलते डीमर्जर हुआ है जो कि स्टील डिविजन, पैकेजिंग डिविजन, कोटेड मेटल मस्क्यूट कॉयल डिविजन, एल्यूमिनियम डिविजन एंड डीमर्जर इंटू फोर ट्रांसफर कंपनीज विज मनीष्का स्टील डिविजन, मनीष्का इंडस्ट्री लिमिटेड, नाउ नोन एज बिकेम इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पर दोस्तों इनका जो स्टील डिविजन है और मनीष्का इंडस्ट्री है अब BKM इंडस्ट्री के नाम पे जाना जाता है और मनीष्का कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड एंड मनीष्का एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और अलग अलग शेयर पे लिस्टेड है जो कि दोस्तों आगे बात करेंगे। और दोस्तों मनीष्का ग्रुप की बात करें, एक क्राउन क्लोजर मेटल्स कंटेनर ये सब प्रोडक्शन करती है और इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है नाइजेरिया, घना एंड इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट है और ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग और एक्सपोर्टिंग करती है जो कि वैल्यूस प्रोडक्ट का होता है। और दोस्तों नाइजेरिया की बात करें, नाइजेरिया में MINL लिमिटेड ये जो है एक सब्सिडियरी कंपनी है इनका। और दोस्तों बात करें मार्केट लीडर ROPP कैप्स एंड क्राउन कॉर्क्स इन नाइजेरिया, ये जो है स्टील मेटल, मेटल कलर कोटेड शीट्स एंड कॉयल ये सब मैन्युफैक्चरिंग करती है। और बात करें दोस्तों और एक सब्सिडियरी की, वो भी नाइजेरिया में जेब्बा पेपर मिल्स के नाम पे है और एक सब्सिडियरी कंपनी है घना में जो कि डायनाटेक इंडस्ट्री घना लिमिटेड इस नाम पर है। मनीष्का ओवरसीज लिमिटेड, मनीष्का फेरो इंडस्ट्री ये सब सब्सिडियरी कंपनी है इनका, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये जो सब्सिडियरी है हमारे इंडिया के सब्सिडियरी कंपनियां है इस साइट में, जो कि मनीष्का फेरो इंडस्ट्री लिमिटेड, मनीष्का ओवरसीज लिमिटेड, मार्कशीट्स लिमिटेड ये सब इनके इंडियन सब्सिडियरी है और फॉरेन सब्सिडियरी के नाम यहाँ पे देख सकते हो MINL लिमिटेड, जेबा पेपर मिल्स लिमिटेड, डायनाटेक इंडस्ट्री घना लिमिटेड ये सब इनका फॉरेन सब्सिडियरी है, जो कि दोस्तों इनका बिजनेस मॉड्यूल एक तरीके की बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। इनका जो टोटल चार शेयर है इनके मार्केट वैल्यूएशन की, इनके शेयर प्राइस की, सबसे पहले दोस्तों मनीष्का एल्युमिनियम कोल लिमिटेड ये शेयर का प्राइस जो है अभी फिलहाल 29 पे ट्रेड कर रहा है और एक दिन के अंदर इसमें 8% का गिरावट देखने को मिला है। और बात करें ये शेयर की मैक्सिमम चार्ट की, अभी फिलहाल 71% की रिटर्न है जो कि दोस्तों इनके चार्ट पर देख सकते हो 2020 के बाद ये स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले स्टॉक में डाउनफॉल था और 2020 के बाद ये स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और बात करें दोस्तों मनीष्का एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की, ये कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हो शीट एंड कॉइल्स, फ्लोरिंग शीट्स, पैटर्न शीट्स, रफिंग शीट्स, क्लोजर कॉइल्स एंड सील्स, एल्युमिनियम एलॉय इंगट्स ये सब एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों और एक दूसरा शेयर की बात करें, इसका नाम है मनीष्का स्टील लिमिटेड और ये शेयर का प्राइस अभी 31 पे ट्रेड कर रहा है इनके लॉन्ग टर्म चार्ट पर, अभी तक स्टॉक में 69% का रिटर्न है जो कि ये स्टॉक में भी इसी साल के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले स्टॉक में लगातार डाउनफॉल था। और ये कंपनी की बात करें, कोल्ड रोल्ड शीट्स, गाल्वनाइज्ड कोरोगेटेड शीट्स, गाल्वनाइज्ड प्लेन शीट्स ये सब प्रोडक्शन करती है और उसके साथ सप्लाई भी करती है। और दोस्तों और एक शेयर की बात करें, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मनीष्का कोटेड मेटल्स इंडस्ट्री लिमिटेड ये स्टॉक जो है लगातार इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, एक दिन में इसने 5% का अपर सर्किट लगाया है और ऑल टाइम हाई पे दोस्तों 137% रिटर्न दे चुका है जो कि ये स्टॉक में भी इसी साल के अंदर बहुत ही अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी की बात करें, ये कंपनी जो है कलर कोटेड मेटल शीट्स, कार्बनाइज्ड स्टील शीट्स, मस्क्यूट कॉयल, अल्ट्रामेरिन ब्लू पाउडर ये सब मैन्युफैक्चरिंग
ट्रेडिंग करती है। और एक शेयर की बात करें दोस्तों, जो कि इनके ही नाम पर है, मानस्का लिमिटेड, और ये कंपनी जो है एक ही दिन में 15% का अपर सर्किट लगा चुका है। और ऑल टाइम में चले गए दोस्तों, ऑल टाइम में अभी भी स्टॉक नेगेटिव में चल रहा है, 65% नेगेटिव में अभी भी चल रहा है। जो कि दोस्तों ये शेयर जो है इनका मदर शेयर है, ये जो शेयर है सबसे पहले था। और ये शेयर की बात करें, ये सिर्फ ही मेटल और अदर आइटम की ट्रेडिंग करती है। लेकिन दोस्तों इन चारों में से मानस्का कोटेड मेटल्स इंडस्ट्री लिमिटेड, और उसके बाद आएगा मानस्का एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद आएगा मानस्का स्टील लिमिटेड, फिर उसके बाद आएगा मानस्का लिमिटेड। जो कि दोस्तों आज की वीडियो में हम मानस्का कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे, ये कंपनी की फुल डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, आगे इनके ऊपर फुल डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। और बाकी के तीन शेयर के ऊपर वीडियो चाहते हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, आप लोगों के लिए आगे वीडियो लेकर इनके ऊपर भी आएंगे। तो दोस्तों ये कंपनी के टोटल मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, ये कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू 253 करोड़ है, और स्टॉक का पीई अभी 30 पे ट्रेड कर रहा है, और आरओसी 11% है, और करंट प्राइस अभी 38 पे ट्रेड कर रहा है, और बुक वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 15 रुपीज का बुक वैल्यू है, और आरओसी 6.4% में अवेलेबल है। और बात करें स्टॉक के डिविडेंड की, 0.08% की डिविडेंड यील्ड है। और कंपनी की प्रोस एंड कॉन्स की बात करें, कंपनी जी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा प्रॉफिट कर रही है। और कॉन्स की बात करें, कंपनी है जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी लो इंटरेस्ट देती है, और एक कंपनी है जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी अप 2.98 फॉर लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल से इसने 2.98 लो आरओई दिया है। और बात करें दोस्तों कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट की, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो इसी क्वार्टर में कंपनी ने 2.67 करोड़ प्रॉफिट किया था, और उससे पहले का प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो, जो कि पहले के प्रॉफिट से कंपनी लगातार इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। और बात करें ईयरली प्रॉफिट की, ईयरली प्रॉफिट में भी कंपनी बहुत ही अच्छा चल रहा है, जो कि इसी साल 6 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और उससे पहले का प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उससे पहले के प्रॉफिट में अभी फिलहाल बहुत ही अच्छा कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करें, कंपनी के पास जो अभी रिजर्व मनी पड़ा है 98 करोड़ पड़ा है, और कंपनी के पास बोरिंग मनी 147 है, जो कि दोस्तों इनके ऊपर जो कर्जा है थोड़ा ज्यादा है। लेकिन दोस्तों कंपनी अगर आगे आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट करके कंपनी के बिजनेस को आगे एक्सपांड करेगी तो ये बोरिंग मनी भी चुका सकती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये बोरिंग मनी को भी ध्यान पे रखना है, पेनी स्टॉक है, इसीलिए इनके बोरिंग मनी जो है ये कंपनी को क्राइसिस भी कर सकती है, इसीलिए आप लोगों को ये पॉइंट को ध्यान पे रख के चलना है। और दोस्तों आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर के पास 67% स्टेक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दोगे पिछले दिसंबर 2018 को इनके पास जो स्टेक था 64.92% स्टेक था, जो कि प्रमोटर ने फिर स्टेक को बढ़ाकर 67.21% कर दिए, फिर उसके बाद अभी 67.43% है। जो कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि प्रमोटर की स्टेक इंक्रीजमेंट होना बहुत ही अच्छी बात होता है। और पब्लिक की बात करें, और पब्लिक इसमें 32.57% की स्टेक ले रखी है। ओवरऑल बात करें स्टॉक की फंडामेंटल बहुत ही अच्छी है। और बात करें आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, अगर दोस्तों ऐसे शेयर में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पहले समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक जो है एक पेनी स्टॉक है, इसमें बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क रहता है, और ऐसे स्टॉक में जितना हाई रिस्क रहता है उतना ही बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और ऐसे स्टॉक में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो रहना चाहिए वो बहुत ही कम से कम ही रहना चाहिए, जो कैपिटल को आप लोग अगर आगे आने वाले दिनों में खो भी दोगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, तो ऐसे कैपिटल को ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। और दोस्तों और इनके तीन शेयर के ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और वो तीन स्टॉक भी फंडामेंटली अच्छे हैं, डीमर्जर होने के बाद वो तीन स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रहा है, उसमें भी स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है, चाहो तो दोस्तों उनको भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। और दोस्तों ये शेयर के रिलेटेड जितने भी जानकारियां दी गई हैं ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज और नॉलेज के लिए हैं। ऐसे शेयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने ओर से अच्छे से एनालिसिस करे, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करे, और दोस्तों आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।